हेलो चिल्ड्रन माई साफ जगदम्बा सिंह वेलकम्स यू ऑल इन पॉलिटिकल साइंस क्लास वी आर कंटिन्यूइंग चैप्टर नंबर टू विच इज़ राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दिस इज द टेंथ पार्ट इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल को डिस्कस किया था एंड इन टूडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस रिलेशनशिप बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल और फंडामेंटल राइट्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है तो आइए देखते हैं इसको इट इज़ पॉसिबल टू सी बोथ फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल एज कॉम्प्लीमेंट्री टू इच अदर जब हम लोग एक नागरिक के रूप में फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल को देखते हैं तो हमें दोनों ही सराहनीय लगते हैं दोनों ही अच्छे लगते हैं दोनों ही प्रशंसनीय हैं यानी कि दोनों ही फ्रूटफुल हैं और दोनों ही सिटीजन्स के राइट्स के लिए बने हैं लेकिन दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन हम लोग को देखने को मिलता है फंडामेंटल राइट्स रिस्ट्रेंड द गवर्नमेंट फ्रॉम डूइंग सर्टन थिंग्स जहां एक तरफ फंडामेंटल राइट गवर्नमेंट को रिस्ट्रिक्ट करती है कि कुछ सर्टेन थिंग्स को आप नहीं कर सकते हैं वहीं डायरेक्टिव द गवर्नमेंट टू सर्टेन थिंग्स और वहीं दूसरी तरफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ये बोलते हैं कि आप कुछ सर्टेन थिंग्स को कर सकते हैं या आपको करना चाहिए फॉर द सेक ऑफ द या वेलबिंग ऑफ द सिटीजन तो यहां पर हम लोग को कॉन्ट्राडिक्शन देखने को मिलता है एक तरह फंडामेंटल राइट्स गवर्नमेंट को रिस्ट्रिक्ट करती है वहीं जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है वो गवर्नमेंट को डायरेक्ट uh, करती हैं टू डू सम समथिंग फॉर द सेक ऑफ़ द इंडियन सिटीजन्स फॉर द वेलबिंग ऑफ द इंडियन सिटीजन तो यहाँ एक कॉन्ट्राडिक्शन हम लोग को देखने को मिलता है फंडामेंटल राइट्स मेनली प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल जो फंडामेंटल राइट right होता है वो इंडिविजुअल व्यक्ति के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है यानी कि कुछ राइट्स फंडामेंटल दिए गए हैं इन द कॉन्स्टिट्यूशन वो ये कहते हैं कि इंडिविजुअल के शर्टन राइट्स हैं एंड गवर्नमेंट कैनॉट मेक एनी लॉज अगेंस्ट दिस फंडामेंटल राइट्स यानी कि इन फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ जाकर के या इनके अगेंस्ट में जाकर के गवर्नमेंट कोई भी रूल नहीं बना सकती है वहीं दूसरी तरफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल इंश्योर द वेलबियंग ऑफ द इंटायर सोसाइटी वहीं हम लोग देखते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो इंटायर सो, सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए काम करने के लिए बने हैं तो जहां एक तरफ फंडामेंटल राइट्स इंडिविजुअल के राइट्स को सिक्योर करते हैं वहीं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं, वो पूरे सोसाइटी के लिए कुछ डायरेक्शन कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट शुड डू सर्टेन थिंग्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सिटीजन तो व्हेन गवर्नमेंट इंटेंड्स टू इंप्लीमेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जब गवर्नमेंट जाती है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को लागू करने के लिए इट कैन कम इन कॉन्फ्लिक्ट विद द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीज़न तो वहाँ हम लोग को देखने मिलता है कि दोनों आपस में टकराते हुए महसूस होती हैं कि फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट कहीं ना कहीं ये प्रिंसिपल्स चले जाती हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और लगता है कि जैसे दोनों कॉन्ट्राडिक्ट्री हैं और दोनों एक दूसरे के अपोजिट आकर खड़ी हो जाती हैं तो इसको समझने के लिए कि ये कॉन्ट्राडिक्शन कितना बड़ा है कॉन्स्टिट्यूशन में और इससे तमाम तरह की चीज़ें उत्पन्न हो रही हैं समस्याएं उत्पन्न होती हैं कि एक तरफ गवर्नमेंट चाहती है कि वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को लागू करे वहाँ पर बीच में फंडामेंटल राइट्स व्यवधान के रूप में सामने आ जाती है और गवर्नमेंट को उन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को लागू करने में परेशानी महसूस होती है तो इस कॉन्ट्राडिक्शन को हम लोग एक एग्जाम्पल से समझेंगे तो आइए उस एग्जाम्पल को देखते हैं तो बच्चों ये प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब गवर्नमेंट ने जमींदारी एवोल्यूशन एक्ट पास किया दिस प्रॉब्लम एरोज़ वेन द गवर्नमेंट साउथ टू पास अ लॉ टू एबॉलिश ज़मींदारी सिस्टम पहले के ज़माने में बिफोर इंडिपेंडेंस जमींदारी व्यवस्था थी एक बड़ा ज़मींदार होता था उसके पास बहुत सारी ज़मीनें होती थी और वो उसमें अपने लोगों को किसानों को से काम करवाता था और वो जो होते थे वो फोस्ट लेबर्स होते थे और जो लगान उसको फसल बेचने से होती थी जो पैसे की कमाई उसमें से लगान कुछ वो देता था ब्रिटिश गवर्नमेंट को तो उसको प्रोत्साहन भी मिलता था ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से ज़मींदारों को लेकिन जब इंडियन गवर्नमेंट आई तो उसने देखा कि ये ज़मींदारी व्यवस्था खत्म होनी चाहिए क्योंकि इसमें लोगों का शोषण बहुत हो रहा है गरीबों का कुछ लोगों के पास तो बहुत सारी ज़मीनें हैं और कुछ छोटे लोग किसान ऐसे हैं जिनके पास ज़मीन ही नहीं है वो मजबूर हैं उन जमींदारों के नीचे काम करने के लिए तब ये सरकार ने सोचा कि ज़मींदारी एवोल्यूशन एक्ट पास किया जाए और ये जब जमींदारी एवोल्यूशन एक्ट पा, पास हुआ तब इन जमींदारों को ये लगने लगा कि उनके हाथ से अब उनकी ज़मीन निकल जाएगी तब वो कोर्ट की तरफ मूव किए और उन्होंने जो आर्टिकल थर्टी वन में जो प्रावधान है राइट्स दिए गए थे प्रॉपर्टी की राइट्स थी उसको उन्होंने एक प्रश्न के रूप में खड़ा किया इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट तो दिस प्रॉब्लम एरोज वेन द गवर्नमेंट साउथ टू पास अ लॉ टू एबॉलिश जमींदारी सिस्टम ये तब शुरू हुआ जब जमींदारी सिस्टम को हटाने की बात शुरू हुई दिस मीजर्स वॉज अपोज ऑन द ग्राउंड दैट दे वोलेटेड राइट टू प्रॉपर्टी गिवन इन आर्टिकल थर्टी वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और वो वो लोग जो जमींदार थे वो लोग कोर्ट में पहुंचे और उन्होंने कहा कि गुहार लगाई कोर्ट के सामने कि जो फंडामेंटल राइट्स है आर्टिकल थर्टी वन का जो ये कहता है कि प्रॉपर्टी रखने का राइट है उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट ने ये व्यवस्था को समाप्त किया है तो इसको रिस्टोर होना चाहिए तो इन 1973 सेवेंटी थ्री द सुप्रीम कोर्ट गिव अ डिसीजन दैट द राइट टू प्रॉपर्टी वॉज नॉट द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड देरफोर पार्लियामेंट हैज द पावर टू एब्रिज दिस राइट बाय एन अमेंडमेंट और सुप्रीम कोर्ट का अंततः एक फैसला आया इन 1973 जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि एक अमेंडमेंट ला करके इस राइट right को जो है जो फंडामेंटल राइट right है इसको अमेंड किया जा सकता है गवर्नमेंट चाहेगी तो और इसको ख़त्म किया जा सकता है इस राइट right को क्योंकि ये एक बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो ये डिसीजन तो आ गया बट इसके पीछे बहुत सारे आर्गूमेंट थे कुछ आर्गूमेंट जमींदारों के तरफ से आए कुछ गवर्नमेंट के तरफ से आए और उन आर्गूमेंट्स को समझना बहुत जरूरी है तो लेट अस नो द आर्गूमेंट्स बिहाइंड द डिसीजन ये डिसीजन जो आया इसके पीछे के आर्ग्यूमेंट्स क्या रहे इसको हम लोग आइए समझते हैं तो आइए आर्गूमेंट को समझते हैं द गवर्नमेंट क्लेम दैट राइट कैन बी एवरिज फॉर गिविंग इफेक्ट टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इफ़ेक्ट में लाने के लिए ये ज़रूरी है कि जो राइट right दिया गया है प्रॉपर्टी का उसको एब्रिज किया जाए उसको हटाया जाए और ये जो ज़मींदारी एवोल्यूशन एक्ट है इसको पास किया करने दिया जाए ये आर्गूमेंट गवर्नमेंट की तरफ से था कि जो भी राइट्स है प्रॉपर्टी का उसको एब्रिज करके एमेंड करने का मौका गवर्नमेंट को मिलना चाहिए

गवर्नमेंट का कहना था कि कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नमेंट को ये पावर है पार्लियामेंट को ये पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी प्रकार का कोई अमेंडमेंट ला सकती है तो कोर्ट का कहना था कि द कोर्ट से दैट द पार्लियामेंट कैनोट मेक अमेंडमेंट दैट वॉयलेट्स फंडामेंटल राइट और कोर्ट का कहना था कि कोई भी फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ कोई भी पावर गवर्नमेंट को नहीं है कि वो उसको वायलेट करने के लिए यानी फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करने के लिए कोई कानून ले या कोई कानून ऐसा लाए जिससे कोई फंडामेंटल राइट वायलेट होता हो तो ये एक जब जबरदस्त जब 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 आर्गूमेंट था कोर्ट मानने को तैयार नहीं थी गवर्नमेंट की बात और गवर्नमेंट चल रही थी कि सोसाइटी के लिए ये जरूरी है कि गरीब लोग जो हैं उनके वेलबिंग के लिए ये जरूरी है कि जमींदारी एवोल्यूशन एक्ट जैसा एक्ट जो है वो पास होना चाहिए और इसके लिए सरकार ने अपने प्रयास जारी रखे और अंत में आइए समझते हैं कि क्या जजमेंट अंत में आया और किस प्रकार से अमेंडमेंट लेकर के गवर्नमेंट आई तो अंत बच्चों ये विवाद समाप्त हुआ और कॉन्क्लूजन के तौर पे हम देखते हैं कि दिस कॉन्ट्रवर्सी वॉज सेटल्ड बाय एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट थ्रू केशव चंद भारती केस और केशव चंद भारती केस में जो जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का उसके अनुसार ही इस विवाद की समाप्ति हुई तो इन नाइनटीन सेवेंटी एट द फोटी फोर्थ अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन रिमूव द राइट टू प्रोपर्टी फ्राम द लिस्ट ऑफ़ द फंडामेंटल राइट और फोर्टी फोर्थ अमेंडमेंट के जरिए जो नाइनटीन सेवेंटी एट में आई उसके जरिए राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट के लिस्ट से बाहर कर दिया गया एंड कन्वर्टिड इंटू अलगल राइट अंडर आर्टिकल तीन सौ एक उसको एक सिंपल लीगल राइट बना दिया गया आर्टिकल थ्री हंड्रेड ए में यानी कि अब यह एक फंडामेंटल राइट right नहीं होगा एक सिंपल लीगल राइट बन कर रह गया प्रॉपर्टी का जो राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट जो था तो इस तरह से बच्चों हम लोग देख रहे हैं कि एक डिसीजन और एक अमेंडमेंट के जरिए किस तरह से एक फंडामेंटल राइट right जो था राइट टू राइट ऑफ प्रॉपर्टी इसको चेंज कर दिया गया और इसको एबॉलिश कर दिया गया फ्रॉम द फंडामेंटल राइट और उसको तीन आर्टिकल थ्री ए में इसको एक सिंपल लीगल एक्ट बना दिया गया तो उम्मीद है बच्चों आप लोग को रिलेशनशिप बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इसको लाइक कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू